भाई इंडिया ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो फिर इल्जामात लगेंगे। इतना जल्दी जल्दी आउट ना करो, बड़े बड़े नामों को जलील मत करो। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप को यहीं पे खत्म करें, यहीं पे इस वर्ल्ड कप का फिनिश कर दें। मतलब कि अब तो मजाक ही हो गया। ऐसा लगा है कि भारतीय गेंदबाज एक कैप को बबूदल करके रख दिया। रविंद्र जडेजा अनप्लेबल, मोहम्मद शमी अनप्लेबल। जी हाँ, 99 पे विराट कोहली खेल रहे हैं। लाइट्स, सबने अपनी मोबाइल की लाइटें ऑन कर दी हैं। स्टेडियम पूरा जगमगा रहा है। ईडन गार्डन्स कोलकाता, ये हिस्टोरिक मोमेंट। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट नॉक और साथ साथ व्हाट एन अचीवमेंट। लाशें बिछा दो, लाशें बिछा दो भाई, लाशें बिछा दो हिंदुस्तान के बॉलरों। 49 ODI century is not an absolute joke. It is one of the greatest moments in the history of ODI cricket. Or happy birthday, specially from our heart, from all Afghanistan. तुम्हारी सालगिरह के दिन ये दुआ है हमारी, जितने हो चांद तारे उतनी है उम्र तुम्हारी. Because he is a talent. इस bowling का comparison ही नहीं है, इस team का comparison ही नहीं है, इस team का कोई level ही नहीं बन रहा. ये तो मेरा ख्याल है कि कोई extra ordinary कोई बड़ी टीमों का world cup करवाना चाहिए. नमस्कार दोस्तों, आज आपने साउथ अफ्रीका और इंडिया का क्रिकेट मैच देखा होगा, जो कि ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही इस मैच की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि दोनों टीम पॉइंट्स टेबल में एकदम टॉप पर थी और दोनों टीम इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी. और दोस्तों इसके साथ साथ आज विराट कोहली जी का बर्थडे भी था, जहां दोस्तों मैच स्टार्ट होते ही रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए भारतीय टीम को एक अच्छी स्टार्ट दिलाई. लेकिन रोहित शर्मा 40 रन मारकर आउट हो गए और उसके बाद एंट्री हुई किंग कोहली की. और दोस्तों सभी क्रिकेट के फैंस कोहली की इंतज़ार कर रहे थे और साथ में आशा कर रहे थे कि आज विराट कोहली सेंचुरी मार करके सचिन सर का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे 49 सेंचुरीज इन ओडीआई वाली. और ऐसा ही विराट कोहली जी ने अपने बर्थडे पर अपने सभी फैंस की ख्वाहिश भी पूरा की और दोस्तों भारत की एक अच्छी टोटल पहुंचा दी. और दोस्तों इसके बाद जब भारत की बॉलिंग आई, जहां भारत ने पूरी डोमिनेट करते हुए साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को बहुत ही कम रन्स में ऑल आउट कर दिया. तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. कमाल किस्म का मैच हुआ, कमाल किस्म का. इंडिया ने बैटिंग की, इंडिया ने बॉलिंग की. साउथ अफ्रीका सिर्फ बॉलिंग करने आया था और साउथ अफ्रीका सिर्फ अपनी विकेट देने आया था. इंडिया इज अनस्टॉपेबल भाई. इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पर है. वो बोलता है ना, वो बड़ा मशहूर डायलॉग है इंडिया के एक एक्टर का, अपन चांद पे है. वो बड़ा जबरदस्त एक एक्टर है, आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी. अपन चांद पे बैठा हुआ है अभी. तो इंडिया की ये मिसाल है कि अपन जो है वो चांद के ऊपर मौजूद है, तुम लोग सब नीचे बैठे हुए हो. यार क्या कमाल किस्म का इंडिया खेल रहा है, कमाल किस्म की बैटिंग हो रही है, कमाल किस्म का बॉलिंग डिस्प्ले हो रहा है. भाई इंडिया ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो फिर इल्जामात लगेंगे. इतना जल्दी जल्दी आउट ना करो, बड़े बड़े नामों को जलील मत करो. फिर कुछ पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, वो बोलते हैं कि इंडिया दूसरी बॉल यूज करता है, बॉल के अंदर डिवाइस यूज करता है, लाइट बंद हो जाती है. पाकिस्तानी लेजेंड्स जो है वो वसीम अकरम, ये सब फिर जलील करते हैं. ऐसे मत करो यार, ये क्या कर रहा है इंडिया. नहीं, अनस्टॉपेबल इंडिया भाई. वर्ल्ड कप में 8 मैच खेले हैं, 8 जीते लिए हैं, एक भी मैच में मुकाबला ही नहीं हुआ. साउथ अफ्रीका के इतने बड़े बड़े नाम, अली डेविड मिलर, वांडर डूसन, कॉन्टन डीकॉक, मार्करम, लार्सन, डीकॉक, भाई क्या क्या नाम है. एक एक वो टीम है जिसने 400 मारे. ऐसा लगा है कि भारतीय गेंदबाज एक एक को बबूदल करके रख दिया. रविंद्र जडेजा अनप्लेबल, मोहम्मद शमी अनप्लेबल, जसप्रीत बुमराह अनप्लेबल, इसके बाद मोहम्मद सिराज अनप्लेबल. क्या कमाल बॉलिंग है भाई. इंडिया की बॉलिंग वर्ल्ड क्लास रैंक, दुनिया की वर्ल्ड कप की तारीख, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसी बॉलिंग देखने को आज तक नहीं मिली कि 9 के 9 मैच में इतनी डोमिनेशन. अली साहब इतनी डोमिनेशन, ये तो कमाल ही कर दिया. सबको हैरान परेशान. मोहम्मद शमी अपने आप में नंबर वन. इतना हेल्दी कॉम्पिटिशन. हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से आउट हो गए, लेकिन टीम इंडिया को पौका फर्क पड़ता है, उनको बाबा जी का ठुल्लू फर्क पड़ता है. इस टाइम इंडिया पॉइंट्स टेबल पे तो टॉप पे है, पता नहीं अपना ही लड़ने हैं. नीचे कोई है ही नहीं नीचे खेलने वाला. ये 8 खेले, 8 जीते. सिर्फ नेदरलैंड से रह गया मैच.
और एक भी पूरे वर्ल्ड कप में शिकस्त नहीं। शिकस्त तो छोड़ो भाई, वर्ल्ड कप में कोई एक टक्कर की टीम तो मिलती भाई, कोई मुकाबला तो करता नहीं। यहाँ तो मुकाबला ही नहीं हुआ। लोग बोल रहे थे विराट कोहली को कि विराट कोहली ने डिफेंसिव इनिंग खेली है, विराट कोहली ने टीम का नहीं सोचा, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई है, कुछ ट्रेंड मतलब जो हिटर्स है वो बनाकर रखते हैं, तो इसके ऊपर उनको भी चपेट पड़ी और चपेट मारी इंडिया की बॉलिंग ने। चल निकल इधर से, मेरे मुंह से कुछ सुनेगा कि भाई ये पिच थी इतनी खतरनाक, ये पिच थी इतनी स्लो कि 326 रन है, ये इधर 450 के बराबर रन है। ओ भाई जो विराट कोहली ने तो मेरे 500 के बराबर मुझे लग रहे हैं, जितने पूरी साउथ अफ्रीका ने रन बनाए हैं ना, इतने अगर आप विराट कोहली को रख लो तो वो बराबर ही है, बल्कि विराट कोहली इनसे आगे है। पूरे 11 कॉन्टेंट डिकॉक से लेके क्लासन से लेके पूरे मिला लो और विराट कोहली के अकेले सेंचुरी मिला लो भाई, वो इन सब के रन मिला के वाइडन नो बॉल वगैरह मिला लो ना भाई, वो सेंचुरी फिर भी बहुत बड़ी है। और विराट कोहली ने तो शटअप कॉल दिया अपनी बर्थडे वाले दिन, 49th सेंचुरी मार डाली है, ऑल टाइम क्रिकेट हिस्ट्री में तारीख के सबसे बड़े बल्लेबाज बन गए। और इस टाइम भारत भारतीय टीम वर्ल्ड कप में पॉइंट्स टेबल पे तो टॉप पे है, क्वालिफाई कर चुकी है 8-0। अली साहब लेकिन इनको देखकर अब थोड़ी थोड़ी सी जलन भी फील होने लगी है, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान टीम है, हम अभी दुआ कर रहे हैं कि यार अभी अफगानिस्तान टीम फलां से हार जाए, फलां फलां को हरा दे, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, ये युगांडा उसको हरा दे, वो कर दे, फिर हम इंग्लैंड के साथ मैच हो, फिर हम नेट रन रेट पे उनको हरा दें, फिर पहले बैटिंग करें, इतना रन बनाए, फिर उतरे करें। लेकिन आज कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है, आप दुनिया में नंबर वन बॉलर आप हो, हमारी पाकिस्तान की टीम में नंबर वन बॉलर है, ओरिजिनल नंबर वन इंडिया की बॉलर है, ओरिजिनल नंबर वन साइड इंडिया की, और ये प्रूवन स्टाफ हो गए ना, इसके ऊपर अब मोहर लग गई है। मोर कैसे लग गई है कि दुनिया में जो टॉप रेटेड टीमें ना, टॉप रेटेड टीमें दुनिया की टीमें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये दुनिया की टॉप रेटेड टीमों में आती हैं, इनको इंडिया ने घुटनों के बल पर लिटाया अपनी बॉलिंग से। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, हमारी पाकिस्तान टीम सबको तहस नहस बॉलिंग से घुटनों पे गिरा। अच्छा इतनी इनकी बॉलिंग में डेप्थ है कि 22 ओवर का खेल हो चुका है, जब हुआ था खेल उस टाइम तकरीबन खत्म हो गई थी टीम, और कुलदीप यादव को तब लेकर आए हैं। आप इमेजिन करो कि मैच खत्म हो गया 70 बजे, इनके साथ खिलाड़ी आउट थे, गेम डेड हो चुकी थी उस टाइम गेम डेड हो चुकी थी, और अभी तक इन्होंने कुलदीप को नहीं लेकर आए, जो मेरा माने कि इस कंडीशन का सबसे बेहतरीन बॉलर है, वो आए ही, लेकिन भाई मेन बॉलर को जरूरत ही नहीं पड़ी लाने की, गेम पहले डेड हो गया, फिर वो आए, उसने भी कमाल कर दिया भाई। अगर आप देखो एक से बढ़कर एक इनके पास गेंदबाजी है, नंबर वन बॉलिंग है, बैटिंग देखो, रोहित शर्मा ने 5.5 ओवर में कोई 62 रन बोर्ड पर लगा दिया था, 60-62 रन बोर्ड पर लगा हुआ था, वो ऐसा लगता है T20 खेल रहे हैं ये भाई। विराट कोहली धनाधन सेंचुरी, श्रेयस अय्यर की कमाल रेस्क्यू वाली इनिंग, नीचे से जडेजा सूर्या ने हार्ड हिटिंग कर दी, यार क्या टीम है इस टाइम, अनबिलीवेबल, अनस्टॉपेबल इंडिया चल रहा है। ऐसी मैंने आज तक जब तक मैं क्रिकेट देख रहा हूं, आप छोड़े जर्नलिज्म को, तो जब से क्रिकेट छोटे भी हम होते थे ये भी बता देंगे, अली साहब वर्ल्ड कप में ऐसी बॉलिंग मैंने कि हर मैच में ऐसी बॉलिंग।